प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं मासिक राशिफल का कार्यक्रम। और मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा, कब कहां कैसे आपको परिवर्तन करना है, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से जनवरी में क्या उलटफेर हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यानी रेगुलर इनकम की स्थिति आपकी कैसी बनी हुई है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले। राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, ये राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। लग्न आपका वो समय है जब आपका जन्म हुआ था, लेकिन चंद्र कुंडली यानी जन्म राशि वो समय होता है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं तुला राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण जनवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए बन रही है। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में आपके लिए स्थित है। सूर्य मंगल धनु राशि में पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में स्थित है। शनिदेव की बात करें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, कुंभ राशि के अंतर्गत पांचवें भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है और ये सातवें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु की बात करें, राहु मीन राशि में छठे भाव में, केतु कन्या राशि के अंतर्गत बारहवें भाव व्यय भाव में स्थित है और चंद्रमा माह आरंभ में सिंह राशि के अंतर्गत स्थित रहेंगे जो कि आपके लिए लाभ भाव में बनती है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच तीन ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, तो कब कब वो परिवर्तन होगा उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा 7 जनवरी 2024 को होगा, बुधदेव का परिवर्तन होगा। वृश्चिक राशि को छोड़कर के बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन और सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे मकर संक्रांति के दिन। 18 जनवरी को आपके राशि स्वामी शुक्रदेव का होगा परिवर्तन और शुक्रदेव ये भी वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। जब भी चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या शुभ भाव में स्थित होते हैं जन्म पत्रिका में जहां पर वो कारक होते हैं, निश्चित ही हमें सकारात्मक रिजल्ट देने का काम करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट हमें देते हैं। लेकिन वही चंद्रमा राहु केतु शनि इत्यादि पापी ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देने का कार्य भी करते हैं और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमारे फेवर में होते हैं, लेकिन 6 से 8 दिन कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक स्थितियां देखने को मिलती हैं। जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, कहीं ना कहीं पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, हमें नुकसान देखने को मिलता है। तुला राशि के जातकों को जनवरी के माह में 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 25, 26 और 27, 28 जनवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगे। इन तारीखों में आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होगा। वहीं 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 30 और 31 जनवरी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। प्रिय दर्शकों, ये तो रही तुला राशि के जातकों की संपूर्ण जनवरी महीने की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ मामलों में आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा, जैसे नेत्रों से संबंधित समस्याएं, मौसम से संबंधित समस्याएं, वायरल फीवर इत्यादि छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम स्थिति आपके लिए बनी हुई है। हाँ, मानसिक रूप से आप थोड़ा बहुत परेशान रह सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको शुक्रदेव की आराधना जरूर करनी है। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के मां लक्ष्मी की आराधना जरूर करिएगा। कुछ भी सफेद वस्तु का दान करिएगा शुक्रवार को, चाहे वो खाने की चीजें हो सकती हैं, वस्त्र हो सकते हैं, कपड़े इत्यादि, जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से दान करिएगा। स्वास्थ्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप अवश्य करिएगा। जब भी आप यात्रा करते हैं, आप नौकरी व्यवसाय पर जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलिएगा। निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। बात आपके करियर की करें तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो करियर का भाव होता है, हमारे नौकरी का, व्यवसाय का भाव होता है। और 10वें भाव के स्वामी तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रदेव बनते हैं। 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। 14 तारीख के बाद सूर्यदेव
सातवें दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। 14 जनवरी के बाद विशेष रूप से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक जो सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, जो जातक स्वयं के व्यवसाय की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए 14 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रिय दर्शकों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस संपूर्ण जनवरी के माह में यात्रा की स्थिति आपके लिए बन रही है, यात्राएं हो सकती हैं, छठे भाव में राहु स्थित है, कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे, इससे आपको सतर्क सावधान रहना होगा और किसी से भी बिना वजह दुश्मनी लेने से आपको बचना होगा। बल्कि कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहां पर भी आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा, यानी किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। छठे भाव में जब भी राहु होते हैं, यहां कहीं ना कहीं व्यक्ति को फंसाने का काम करते हैं और कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर लगवाते हैं, तो इस मामले में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी सूर्यदेव आपके लिए बनते हैं। लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव पराक्रम के भाव में स्थित है, यहां पर भी कोई ग्रह स्थित नहीं रहेगा लंबे समय तक। चंद्रदेव जरूर महारंभ में स्थित है लेकिन लंबे समय तक कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। बुध और शुक्र धन भाव दूसरे भाव में स्थित है, तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो मिलाजुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा, खर्च आपके जरूर बढ़ेंगे। केतु 12वें भाव में स्थित है तो ये स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं खर्च करवाते हैं, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के हो, खर्च जरूर करवाते हैं। तो अनावश्यक खर्चों को करने से आपने जरूर बचना है, व्यर्थ की यात्राएं करने से बचेगा, व्यर्थ के खर्चों को करने से बचेगा। और हाँ, ऋण के लेन देन से आपको बचना होगा, लोन लेने से भी आपको बचना चाहिए, इस समय ऋण देने से भी बचना है, ऋण यदि आप देते भी हैं तो वो भी पैसा आपका फंस सकता है, तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। पंचम भाव 5वें भाव में शनिदेव स्थित है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत स्थित है। ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकली एजुकेशन में है, आईटी के क्षेत्र में है, उनके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं विदेश भ्रमण की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है, अच्छे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ प्रेम इत्यादि मामलों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा, प्रेम के मामलों में कहीं ना कहीं धोखा आपको मिल सकता है, तो यहां पर आपको सतर्क सावधान भी रहना होगा। जनवरी का माह आपके लिए शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं संपर्क करिएगा 8826810020 पर, 8860782753 पर। और हाँ, संपूर्ण वर्षफल आपका तैयार है, वर्षफल का वीडियो देखना न भूलिएगा।